नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर कभी कभार कुछ चीज़ों का नॉलेज न होने के कारण से बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज ज़्यादा चली जाती है या वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप नए कटिंग करते हैं तो आपकी जो बुकरम है या पेपर फ्यूजिंग है ज़्यादा वेस्टेज न जाए और कम बुकरम में आपके गले ज़्यादा निकलें। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर वीडियो और बना सकें। साथ में बेल का आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बुकरम है, इस तरह से आपको लंबी किनारी वाइज आपको कट करना है। यहाँ पर मैंने देखिए ये बुकरम जो है ये करीबन 9 इंच चौड़ी कटिंग किया है और इसे आपको डबल फोल्ड इस तरह से कर लेना है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले काम यही करना है, आड़ी बुकरम नहीं काटें, खड़ी बुकरम आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जितना बुकरम 1 इंच ज़्यादा 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ से निशान लगाएंगे। दूसरा, जितना आपको गला डीप रखना है, आप इस तरह नापते हैं तो इस तरह नाप लें या टेढ़ा नापते हैं तो टेढ़ा नाप लें। तो यहाँ पर निशान लगा लें ये 3 इंच का गले की चौड़ाई, ये 3 इंच उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो बैक गला डीप के अनुसार। अगर बैक का गला आपका नॉर्मली है तो इसकी चौड़ाई 3.5 3.5 चेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे चेस्ट का 12वां हिस्सा करके ये निशान लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 7.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ, इसमें यहाँ पर 1/2 इंच के आसपास दब जाएगा और 7 इंच तैयार रह जाएगा। इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से और इधर से। अब आपको जैसा शेप देना है वैसा आप शेप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला मैंने दे दिया, ये गला मैंने यहाँ से घुमा दिया 5 शेप और, ठीक है, ये 5 शेप घुमा दिया, गोल गला घुमा दिया। तो इस तरह से आप इसमें गले की गोलाई लगा दें तो पहला गला तो इस तरह से आप कटिंग कर लें। इस तरह से आपको कटिंग कर लिया और जितना आपको चौड़ाई चाहिए बुकरम की, जो तुरपन पे आप रखना चाहते हैं वो इस तरह से आप रख लें, ठीक है। तो पहला गला तो जो है नेक ये कटिंग हो जाता है परफेक्टली। अब साथ में दूसरा कैसे कटिंग करें, अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये गला एक्स्ट्रा कटिंग हो जाता है, इसको निकाल देते हैं, दूसरा नेक जो है आप यहाँ से निकालने लग जाते हैं तो ये वेस्टेज चला जाता है। इसके लिए क्या करना है, आपको इस साइड से एक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पर एक टाँका लगा लिया, या सेम ऐसा ही आप नेक निकालना चाहते हैं तो सेम ऐसे ले लें या आप इस तरह से ले लें। यहाँ पर वही 3 इंच पर निशान लगा लें, ये 3 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लें और ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे गोल गला कटिंग करना है यहाँ सिलाई लग जाएगी और ये गोल गला, ये इधर से गोल गला और यहाँ से जितनी डीप है आपकी, यहाँ से डीप कटिंग करनी है तो यहाँ से ले लिया और इस तरह से आपको ये निकल गया। और इसमें भी जितनी बुकरम आपको लेनी है उतनी आपको बुकरम लेनी है और यहाँ से आपको टांका लगा ही लेना है सिलाई, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये आपका जो है गोल गला भी कटिंग हो जाएगा। चौड़ाई जितनी आप रखना चाहे डीप उतनी रख सकते हैं। इस तरह से आप कम बुकरम में ज़्यादा नेक निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके काम में आए। इस तरह से आप कम बुकरम में ज़्यादा गले निकाल सकते हैं और अपनी बुकरम का सही उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे बहुत सारे और वीडियोज़ हैं, उन्हें देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको लगता है कि आपके चैनल पे यह वीडियो नहीं है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसे बनाने की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।